हाँ तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो सवाल हैं तो ये देखने में काफी यूं लग रही है कि बहुत बड़ी संख्या है और इसमें एकाएक अंक पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा ही आसान है। और थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। एक तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि इकाई का अंक जो है, संख्या में जो इकाई का अंक है केवल उस पर डिपेंड करता है। यानी इस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इसको कंसीडर करना है। तो एक तरीके से जो इकाई का अंक इसमें हमें ज्ञात करना है वो 7 की पावर 753 में जो इकाई का अंक आएगा वही अंक इस संख्या का इकाई का अंक होगा। तो इकाई में क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं? 0 हो सकता है यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक अंक होगा। सबके लिए अपन देख लेते हैं। यदि 0 है तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, यदि 1 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 5 है तो इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, और यदि 6 है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। तो ये एक ग्रुप बन गया हमारा, 0, 1, 5 और 6। यानी यहां पर यूनिट प्लेस पे इनमें से यदि कोई संख्या है तो ऊपर पावर भले ही कितनी हो यही संख्या रिपीट हो जाएंगी। अब हम इनके ऊपर बात करते हैं। तो 4 है वो 2 की स्क्वायर लिखा जाएगा, 8 है वो 2 की पावर 3, और 9 है वो 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास में अब 2, 3 और 7, ये 3 संख्याएं हैं जिन पे हमें विचार करना है। 3 और 7 एक ही ग्रुप में है। इनके लिए सामान्य नियम यह है कि हम जो घात है उसको 4n+p में चेंज करेंगे, 4n+p में चेंज करेंगे। और ये जो p है ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यानी जो पावर हमें दी गई है उसमें हम 4 का भाग देंगे, वो भाग n बार जाएगा और जो शेषफल है वो 1, 2 या 3 होगा। इस 4n का कोई असर नहीं है क्योंकि 3 की पावर 4 हम जानते हैं 81 होता है, और 7 की पावर 4 में भी इकाई का अंक जो है 1 आएगा। इसलिए 3 की पावर 4n का इकाई का अंक 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1 से गुणा समझ लेंगे। और 7 की पावर 4n जो है उसमें भी इकाई का अंक 1 है, तो सीधी सी बात यह है कि 3 की पावर 4n+p में जो इकाई का अंक है वही इकाई का अंक 3 की पावर p में है, और 7 की पावर 4n+p में जो इकाई का अंक है वही इकाई का अंक 7 की पावर p में है। तो इस चीज को हम इस पे अप्लाई करके देखें पहले। तो 753 जो है उसको हम, क्योंकि 4 का भाग दे रहे हैं तो केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही कंसीडर कर लेते हैं, 752+1। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि 52 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो एक तरीके से इकाई के अंक के लिए हमें केवल किस पे डिपेंड रहना है, 7 की पावर 1, और जो किसके बराबर हो जाएगा 7 के। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये कि इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक हमें पता करने में मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगे। हमने इसको 7 की पावर 753 में बदला। 753 को हम जानते हैं कि 13 चौक 52, तो 52 में पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, तो 752+1, 752 जो है उसको छोड़ा जा सकता है क्योंकि 4n के रूप में आ गया। तो इकाई का अंक 7 की पावर 1 के अनुसार होगा, और जो किसके बराबर है 7 के। तो ये हमने 3 और 7 के लिए नियम बना लिया 4n+p का, और इसमें हमने ये देखा कि 3 की पावर p और 7 की पावर p के अनुसार इकाई का अंक आ जाएगा। 2 के लिए थोड़ा सा विशेष है क्योंकि 2 की पावर 4 जो है हम जानते हैं 16 के बराबर है, और 16 का मतलब अंतिम अंक है 6, और 6 को कितनी बार भी आपस में हम मल्टीप्लाई करें हमें 6 ही प्राप्त होता है। इसलिए 2 के ऊपर जितनी भी पावर है उसको हम चेंज कर लेंगे 4n+p में, और यहां पर
फिर इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, 2 की पावर 4 n जो है इसके इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, और 2 की पावर p का जो मान है, क्योंकि p का मान या तो 1 है या 2 है या 3 है, p का मान यदि 1 है तो 2 6 गुणा 2 इकाई का अंक 6 गुणा 12 के हिसाब से 2 हो जाएगा, यदि p का मान 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 इकाई का अंक भी 6 चौक 24 4 हो जाएगा, और यदि p का मान 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 8 छीके 48 इकाई का अंक 8 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल बात हमने कर ली। अब हम आसानी से कुछ सवाल जो है बहुत ही एसएससी में आए हुए हैं विगत में 2-3 साल में, उनको हम देखेंगे कितने फटाफट उन क्वेश्चंस को अपन हल कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये चारों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से उठाए हैं मैंने, और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। 13 की पावर 2008 में इकाई का अंक कितना होगा? तो इसमें संख्या में 3 है अंदर, तो अपन ने ये बताया था कि हम इसको किस में बदलें, 3n प्लस p के अंदर, 3 की पावर 4n प्लस p। तो अपन ये जान रहे हैं कि 2008 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 का, तो एक तरीके से जो 3 की पावर p है और p का जो मान है वो 0 ही हो जाएगा, और 0 का मतलब 1, तो जो इकाई का अंक है वो यहां पे अपने को मिल गया 1। फिर इसमें देखते हैं कि 222 की पावर 23 में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 2 की पावर 23 में जो है वो ही होगा, और इसको 23 को अपन 20 प्लस 3 इसमें चेंज कर लें, और ये जो 4n के रूप में 2 की पावर 20 है इसमें हम जानते हैं इकाई का अंक आएगा 6, और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बाकी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, तो इस हिसाब से जो इकाई का अंक है वो हमें मिल गया 8। इस क्वेश्चन में देखें बहुत बड़ी बड़ी संख्या नजर आ रही है, हमें केवल यूनिट प्लेस निकालना है। तो 5 जब अंतिम स्थान पे होता है तो इकाई का अंक हमें पता है केवल 5 होगा, और 1 जब अंतिम स्थान पे है तो पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अपन विचार करते हैं, यहां पर 4 है और 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 17 93, अब 2 की पावर 2 17 93 इसको हम 4n प्लस p के रूप में लिखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको यहां ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर और 6, 9 दुनी 18, 17 दुनी 34 और 1 35, और 5 और चल रहा है साथ में। अब पहले 35 86, अपन जानते हैं कि 4 का भाग दें हम तो 84 में जाएगा, तो एक तरीके से 2 की पावर 35 84 ये तो एक संख्या बन गई, और 2 की स्क्वायर और 5 ये 4n फॉर्म में आ गया, इसलिए इकाई का अंक इसमें 6 होगा, ये 4 है और ये 5 है, 6 चौक 24 पंजो 120, तो इकाई का अंक हो जाएगा 0। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर 4 है तो 4 को 2 की स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3586, 5 है इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, 1 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। अब इस 3586 को हमें 4 का भाग देना है तो 4n प्लस p रूप में लिखना है, तो अपने को पता है कि 84 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का भाग देने के लिए केवल लास्ट के 2 अंकों पे ध्यान दे लें हम, तो 2 बचेंगे, तो इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, ये केवल इकाई के अंक के लिए है, वास्तविक मान नहीं निकाल रहे अपन, तो इसमें इकाई का अंक 6 होगा, इसमें इकाई का अंक 4 हो गया और ये 5, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 120 इकाई का अंक 0।
फिर ये क्वेश्चन है, इसमें एक एकाई अंक, तो इसमें हम जानते हैं कि 7 की पावर काम में आएगी, इसमें इकाई का अंक 1 होगा और इसमें भी 7 की पावर काम आएगी इकाई के अंक के लिए। तो ये दोनों जो इकाई के अंक एक दूसरे को काट देंगे, इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका सीधा सा आंसर है। तो मित्रों, इकाई का अंक याद करने के लिए बहुत ही शॉर्ट स्वीट मेथड है, कंसेप्ट पे आधारित है, इसलिए गलती होने की कोई संभावना नहीं है। और जो है इसी तरह के क्वेश्चंस हम अभी अभाज्य संख्या पर कुछ और वीडियोस लेके आएंगे, और उससे अपना फंडामेंटल भी मजबूत होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी अपनी अच्छी हो जाएगी। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।